नमस्कार दोस्तों, हर राशि के बारे में आपकी यह राय पूरी तरह गलत है। राशि पर आधारित खूबियां और खामियां लोगों को समझने में मदद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हर राशि के बारे में लोग गलत समझते हैं। वो बातें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हैं। राशि अनुसार इस वीडियो में हम उनका जिक्र कर रहे हैं। इससे जहां सामने वाले को आप बेहतर समझ सकते हैं, वहीं अपनी इस राशि के अनुसार ये बातें खुद के विषय में जानकर आप यह भी समझ सकते हैं कि किन मामलों में लोग आपको अच्छा या बुरा समझते हैं। उस अनुसार आप लोगों से अपने रिश्तों को संयमित भी रख सकते हैं। मेष राशि। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मेष राशि के लोग मानसिक रूप से बीमार, क्रोधी और उग्र होते हैं। यह सच है कि ये दूसरों की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान और कार्य क्षमता वाले होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने बल या ऊर्जा का प्रयोग दूसरों पर हमला करने में करते हैं। मिथकों के विपरीत उनमें समस्याओं को सुलझाने और तार्किक रूप से सोचने की अद्भुत क्षमता होती है। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को व्यवहारिक, भौतिकवादी और चतुर समझा जाता है, जबकि इसके विपरीत ये बेहद नम्र होते हैं और अपने परिवार में शांति सामंजस्य लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी ये अपने परिवार के लिए स्वार्थी हो जाते हैं, जो दूसरों को भौतिकवाद लगता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं और अपने ही काम में मग्न रहते हैं, लेकिन लोगों के अनुसार मिथुन राशि के लोग असंगत या दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये परिस्थिति को देखकर और समझकर अपनी राय बदलते हैं। लोग इसे समझ नहीं पाते और इसका अर्थ कुछ और ही लगा लेते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग बेहद ही नम्र और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। ये शायद ही किसी से झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद करते हैं। सच्चाई यह है कि इनके जीवन में भी विवाद होता है, लेकिन ये दिखावा करते हैं कि इनकी जिंदगी बहुत शांति भरी है। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग बहुत साहसी, निडर, बुद्धिमान और ऊर्जावान माने जाते हैं। ये जानते हैं कि कैसे लोगों को उत्साहित रखा जाता है। ऐसे स्वभाव वाले लोगों से आप दुखी होने, निराश या रोने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी अपेक्षा के विपरीत ये भावनाएं भी सिंह राशि के जातकों में होती है और उनकी मजबूत छवि के कारण आप देख नहीं पाते। कन्या राशि। कन्या राशि में चीजों को जानने और समझने की अद्भुत क्षमता होती है। इस राशि के बारे में यह माना जाता है कि इन्हें लगभग हर चीज का ज्ञान होता है। इस मिथक के विपरीत कन्या राशि के जातक भी आपकी तरह ज्ञान और आनंद की तलाश में होते हैं, लेकिन खोज करने का इनका खास तरीका इन्हें औरों से अलग और निपुण बना देता है। तुला राशि। लोगों को लगता है कि तुला राशि के लोग हमेशा उलझन में रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि विपरीत परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलें। सच्चाई यह है कि वे किसी भी दुविधा में नहीं फंसते और किसी न किसी तरह वहां से निकलने का तरीका ढूंढ ही निकालते हैं। लोगों को लगता है कि समानता और संतुलन उनकी खासियत है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी अपनी बात आती है तो वे खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक ईर्ष्यालु, असभ्य, कुरूप, प्रतिशोधी और तामसिक प्रवृत्ति के समझे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वे बेहद शांत और मिलनसार व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन लोग उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, इसलिए वे अपनी ऐसी छवि बनाकर रखते हैं। धनु राशि। ऐसा माना जाता है कि धनु राशि के लोग खुश मिजाज व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और परेशानियां भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। विपरीत परिस्थितियों में ये भी टूट जाते हैं, लेकिन हाँ, इनकी खुशियां और मुस्कान ज्यादा समय तक इनसे दूर नहीं रहती। मकर राशि। मकर राशि के जातक सभी राशियों में से सबसे अधिक उबाऊ और सबसे कम कामुक माने जाते हैं, जबकि इसके विपरीत वे बेहद भावुक और कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये इन भावनाओं को लोगों से छिपा कर रखते हैं। कुंभ राशि। लोगों का मानना है कि कुंभ राशि के लोग बेहद कठोर दिल के होते हैं और इन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, जबकि सच्चाई यह है कि ये उदासीनता वाला रवैया सिर्फ इसलिए अपनाते हैं कि ताकि लोगों की नजरों से अपने कोमल दिल को बचा कर रख सकें, इसलिए इनका स्वभाव इतना उदासीन और कठोर हो जाता है। मीन राशि। मीन राशि के जातक बेहद रचनात्मक और समझदार माने जाते हैं। यह बहुत हद तक सच भी है।
लेकिन इन्हें इस गुण को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये समस्याओं को देखकर उनका समाधान निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो इनका जन्मजात गुण नहीं है। तो यह है दोस्तों हर राशि के बारे में आपकी यह राय पूरी तरह गलत है। मित्रों, वास्तु टिप्स और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। मित्रों,